नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के आज के अखबारों की सबसे प्रमुख खबर क्या है हम इस वीडियो के अंतर्गत। हम इस न्यूज को डिटेल में जानते हैं। जैसा कि दिया गया है, खबर न्यूज भोपाल से आ रही है और मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अब राज्य सरकार को एक माह का समय दिया है। मोर्चा का कहना है कि सरकार ने यदि इस अवधि में मांगों का समाधान नहीं किया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी जाएगी। मोर्चा के प्रवक्ता सुभाष शर्मा ने बताया कि इस संबंध में बैठक हो चुकी है। बैठक में सर्वसम्मति से यही निर्णय हुआ है कि अभी सरकार को एक माह का समय दिया जाए, इसके बाद ही सरकार मांगों की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो फिर सरकार को तिथि तय करके आंदोलन का नोटिस दे दिया जाएगा। डीए नहीं मिलने से है निराश। तो दोस्तों, डीए की राशि नहीं मिलने के कारण भी कर्मचारी बोले उम्मीदें टूटी है। तो इसे जानते हैं। कैबिनेट से एक बार फिर कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। कर्मचारियों को आस थी कि इस बैठक में सरकार डीए की राशि देने का निर्णय ले सकती है। इस बार भी यह प्रस्ताव नहीं आया। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष मुरारी लाल सोनी का कहना है कि इस संविदा का भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों में निराशा जरूर है, लेकिन सरकार समस्या के प्रति गंभीर है। उन्होंने कहा है कि सरकार की वित्तीय स्थिति खराब है, फिर भी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इस विषय में भी कर्मचारियों को सोचना होगा। तो दोस्तों, ये दिया गया है। वही लंबित मांगों का शीघ्र होगा समाधान। तो ये कैसे होगा, इसे जानते हैं। वरिष्ठ कर्मचारी नेता भानु तिवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है कि कर्मचारियों की लंबित मांगों का तत्काल समाधान किया जाए। उन्होंने कहा है कि संविदा कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित 90% नीति का लाभ मिलना चाहिए। इस नीति का पालन विभिन्न विभागों और परियोजनाओं में नहीं हो पा रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी निराशा है। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, संविदा नर्स सहित अन्य संवर्ग के कर्मचारी भी परेशान हैं। वहीं देखते हैं, सुविधाओं के लिए अनुपूरक बजट लाया जाए। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश जागरूकता अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदित भदौरिया ने सरकार से मांग की है कि राज्य सरकार कर्मचारियों की सुविधाओं का भुगतान करने के लिए तत्काल आगामी विधानसभा के सत्र के में अनुपूरक बजट लाए। भदौरिया के अनुसार वैसे उम्मीद है कि 9 अगस्त से प्रारंभ हो रहे सत्र में सरकार यह व्यवस्था कर सकती है। उन्होंने फिर आरोप लगाया है कि यदि प्रदेश में कुछ कर्मचारी संघ राज्य सरकार की छवि को बदनाम कर रहे हैं, जो कभी कहीं से भी उचित नहीं है। तो दोस्तों, ये खबर न्यूज निकल करके आ रही है। अब आगे कर्मचारी क्या कदम उठाते हैं। अभी सरकार के लिए एक माह का समय दिया है। उम्मीद है कि अभी बजट सत्र जो कि 9 से 12 तक चलना है, तो उसमें सरकार को की मांगें पूरी, कर्मचारियों की मांगें पूरी हो सकती है, उन्हें डीएम मिल सकता है। तो दोस्तों, कर्मचारियों की मुख्य रूप से दो प्रमुख मांगें अभी शेष रह गई हैं, जिसमें डीए और प्रमोशन मांग एक अहम मांग है। क्या ये मांग पूरी होगी। हम इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।